नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो आज हम पहुंचे हैं दरौंदा प्रखंड में और दरौंदा प्रखंड के जो हरसर पंचायत है उसी पंचायत में हम आए हुए हैं और यहां के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, 5 साल तक मुखिया के पद पे विराजमान रह चुके हैं, अभी हमारे साथ मौजूद है मुन्नी देवी और उनके पति हरे राम जी और चुनावी दौरा पे निकले हुए जनसंपर्क के लिए। और देखा जा रहा है कि जनसंपर्क में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस पंचायत के हर गांव से महिला इस पंचायत के आकर जनसंपर्क करने के लिए निकली हुई है और मुन्नी देवी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और हरे राम जी के साथ भी बहुत सारे पुरुष लोग इस पंचायत के हैं। तो ये जानते हैं कि चुनाव की तैयारी कितना कम्प्लीट हो चुका है और अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि यहाँ से टोटल 8 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं मुखिया पद के लिए, लेकिन जीत के जो सबसे बड़े दावेदार है फिर से हरे राम जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन सा मुद्दा लेकर चले थे और क्या कारण है कि जनता 5 साल कार्य करने के बाद भी उनके वोट बैंक में कोई गिरावट नहीं आया, उल्टा वोट परसेंटेज और बढ़ चुका है पिछले साल से। तो सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका चैनल का भी स्वागत करते हैं और पूरे पंचायत की तरफ से आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। तो चुनाव अंतिम पड़ाव में चला गया है, रात शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे, क्या चुनाव की तैयारी कंप्लीट हो चुका है? जी तैयारी का लोग ही सब तैयारी कर लिए हैं चुनाव जिताने के लिए, हमको सब लोग अपना मत बना लिए हैं, हमको सभी हरसर पंचायत के गार्जियन बुजुर्ग लोग माता बहनों और मित्र दोस्तों ने सब ने अपना मन बना लिया है। इस बार फिर दोबारा हमको मुखिया बनाने का निर्णय सभी लोगों ने कर एक लिया है। कि आपके पंचायत में हम लोग भ्रमण किए, अलग अलग वार्डों में जाकर हम लोग जनता से मिले हैं, तो बहुत जगह चुनाव हुआ, देखा गया एक बदलाव की लहर चल रही थी, लेकिन उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं हरसर पंचायत में आके ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि यहाँ जनता का साफ का नाम था कि मुखिया जी का जो व्यवहार हो या विकास हो सब चीज़ों का यहाँ पर हम लोग को फायदा मिला है। तो क्या लग रहा है कि जो भी प्रत्याशी उतना दिन से अपने अपने जीत के दावे कर रहे थे, तो क्या उनके दावे में दम नहीं था? क्या दावा में कोई दम नहीं था? यहाँ हमने जो विकास का काम किया है उस पर सब लोग हमको फिर से दोबारा मुखिया बनाने के लिए तैयार हैं और हमको दोबारा मुखिया बनाएंगे। सभी ग्रामीण हरसर पंचायत के सभी ग्रामीण मतदाता बंधुओं पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि मैं ये चुनाव फिर से जीत रहा हूँ और जीतने के बाद हम सभी पंचायत वासियों को अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो सब लोगों ने मिल करके हमको फिर जिताने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा और 5 साल सभी लोगों को हर कुछ सेवा हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। तो एक चीज़ है कि जो भी जनता है यहाँ के बहुत सारे लोगों से बात हुए, सारे लोगों का एक आवाज़ निकल रहा है दिल के अंदर से कि दिल से मुन्नी फिर से मुन्नी, तो क्या लग रहा है कि आवाज़ पूरा पंचायत में गूंजेगा ये? जी जी सर, फिर ये आवाज़ गूंजेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक चीज़ है कि जो भी प्रत्याशी लोग थे वो लोग तरह तरह के टिप्पणी भी किए हैं यहाँ पे, लेकिन उन टिप्पणी पे जनता विश्वास नहीं किए, जो हकीकत चीज़ें हैं जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लेकर बात किया जाए, नल जल के बात किया जाए, सारे चीज़ों को खंडन करते हुए जनता हमसे बात भी किए, जनता का कहना है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम लोग को विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के जो योजना है जो धरातल पर दिखाई दिया उस पर हम लोग मुहर लगाएंगे 8 तारीख के दिन। हम ईमानदारी पूर्वक 5 सालों में काम किया हूँ और आगे भी ईमानदारी से काम करूंगा, अपने पंचायत के विकास के लिए हर पल तैयार रहूंगा, लोग के सुख दुख में और विकास के कार्यों में हर पल मैं तैयार रहूंगा। मैं ये अपने पंचायत वासियों को आश्वासन दिलाता हूं कि एक इस चीज़ पर मैं खड़ा उतरूंगा और अपने पंचायत को स्वच्छ और निर्मल बनाने का काम करूँ। तो देखा जा रहा है कि 100% वोट बैंक में 30% वोट बैंक आपके साथ है, यानी 100 आदमी में 30 आदमी आपके कार्यकाल से खुश है और 70 आदमी में बाकी 7 प्रत्याशी बचते हैं लोग, तो उसी पर अनुमान हमारी टीम भी लगाई है कि यहाँ जीत के सबसे बड़े दावेदार हरे राम जी हैं। तो क्या लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे इसी के इर्द गिर्द आएंगे? बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द नतीजे आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार फिर लड़ाई है ये नहीं है मेरे पंचायत में, हमसे किसी को लड़ाई नहीं है, हम फिर से लोगों का
आशीर्वाद मैं प्राप्त कर रहा हूँ और सब लोग मुझे आशीर्वाद दे करके फिर इस बार मुखिया बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि कहीं विधायक और एमपी के चुनाव से टफ होता है मुखिया का चुनाव, वो भी 5 साल कार्य करने के बाद, क्योंकि पार्टी का एक सिंबल होता है विधायक के साथ एमपी के साथ, लेकिन यहाँ आपका क्रेडिट है, आप जो 5 साल में काम किए हैं, जो आप कमाए हैं वही आपके पास है अभी, तो उस पर मोहर लगाना बहुत दिक्कत होता है जनता को, कहीं ना कहीं जनता यहाँ पे मांग कर ये फिर से मुन्नी को, तो क्या रीजन है इसके पीछे? सर बहुत सारे रीजन है, सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर इस 5 साल में रहा हूँ, काम किया हूँ, सभी लोगों के सुख दुख में साथ रहा हूँ, और क्या, अब यही रीजन है और क्या। तो जनता से क्या अपील कीजिएगा जो जनता इस रैली में शामिल नहीं हुई? सभी जनता से अपने पंचायत वासियों से अपील करूंगा कि मुझ पर विश्वास और भरोसा रख कर फिर एक बार अपने मत दे करके मुझे फिर से एक बार मेरे पत्नी मुन्नी देवी को टेम्पो छाप पर 4 नंबर सीरियल नंबर टेम्पो छाप पर मोहर लगा करके अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, और इसके लिए मैं सब पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आइए कुछ लोगों से बात कर ले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजकिशोर मिश्र है। तो क्या कहना है आपका, देखा गया कि जहाँ भी चुनाव हुए हैं एक बदलाव की लहर चली है जी, तो क्या लग रहा है उस बदलाव के लहर का असर यहाँ पड़ेगा कि फिर से जो मुखिया रही है मुन्नी देवी वही मुखिया बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, विकास जो हुआ हुआ है, हर वार्ड में विकास का धारा यहाँ बढ़ा हुआ है, आज जो भी चीज है लड़ाई हम लोग किसी से है ही नहीं, फिर हम लोग का समाज हम लोग जा रहा है। तो बाबा आपका नाम? अर्जुन यादव है। तो यादव जी क्या लग रहा है कि यहाँ से फिर से मुन्नी देवी मुखिया बनेगी कि बदलाव होगा? एकदम ये जीतेगी। जीतेगी किस आधार पे कह रहे हैं? काम किस आधार पर कि 5 साल के अवधि में जितना ये मुखिया जी काम कर चुके हैं उतना कोई मुखिया कहीं भी नहीं, आदमी घूमता है कहीं नहीं किया, कम से कम 184 ठोकाम ये किए हैं, कहीं ढलाई किए हैं, कहीं कुछ किए हैं, कहीं कुछ किए हैं, 184। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के जनता जो है, हाँ, जो विकास का कार्य हुआ है मुखिया जी द्वारा उसको, हाँ, देख कर वोट करेगी, किसी का लोभ लालच में आकर वोट नहीं, देख करके काम देख करके जनता वोट दे रही है, सारा लोग जुटे हुए हैं। जगन्नाथ मिश्रा। तो क्या लग रहा है कि विकास जो किए हैं, जो मेहनत किए उसका इनाम मिलेगा? एकदम मिलेगा, एकदम मिले जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने प्रत्याशी को घूमने दीजिए, दावा करने दीजिए, उसमें कोई उलू विफल हो जाएंगे, वोट कर देने उलू विफल हो जाएंगे। तो आइए, यहाँ काम हुआ है, यहाँ कोई नहीं लड़ाई है, मुन्ना देवी छोड़ कर कोई लड़ाई नहीं है। उम्र तो बहुत ज्यादा, उम्र हो गया है, हम एकदम धन्यवाद काल देखे होंगे सब मुखिया, हाँ सब देखे हैं, मुन्नी जी का मुखिया आज नहीं हुआ है, इतना उम्र हो गया, 5 साल किया है, वो बहुत अच्छा किया है, अभी 5 साल करेगी एकदम खुशी से, और बाबा के दया से एकदम जिना, जय हो मुन्नी देवी की, जय हो। बहुत अच्छा। तो आपका नाम? जी मुन्ना कुमार यादव पड़ेगा। तो क्या है, जैसा कि देखा गया कि इस बार जहां भी चुनाव हुए हैं युवाओं का वोटर जो है, युवा वोटर जो है वही भूमिका निभाए हैं जी, तो यहां का जो युवा वोटर वो किसके साथ जाना पसंद करेगा? जी हम लोग मुन्नी देवी के फिर से जीताना चाहते हैं, हम लोग काम किए हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, ताकि लोग के दिखावे में कोई कहता है कि काम नहीं किए हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, काम किए हैं, बाकी लोग नज़र में दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोग पागल हैं, इसलिए कि हम लोग खुद काम किए हैं, हम अपने जनता को दिखाई दे रहा है लेकिन प्रत्याशी को दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ प्रत्याशी को दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी हम लोग काम किए हैं, हमारा मुन्नी देवी काम किए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो इनसे हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है? माया देवी। मुन्नी देवी काम कैले मानी पंचायत? हाँ, हाँ, कैले मानी ना। तो फिर जितावे के बाद के बेबी हाँ, बदले के बाद ना ना जितावे के बाद की जितावे के बाद हाँ। काम से खुश बानी? हाँ हाँ। राहु नाम? चंद्रावती देवी। क्या लगता है मुन्नी देवी फिर मुखिया बनी हो? हाँ बनी है। मुखिया लगे बाद काम कैले बारी? हाँ कैले बारी करे है। राहु नाम? बची देवी। क्या लगता है मुखिया बनाए मुन्नी देवी? हाँ मुखिया बनायम सन, वहाँ के पिठी पर उठम सन, जितायम सन, मुखिया बदल के नहीं ना बदल के नहीं काम कैले बनी। तो देखिए ये महिलाएं हैं जो लोग बोल रही है कि हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, हम लोग मुन्नी देवी को फिर से लाना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ ये कवि जी मौजूद है, जितेंद्र भारती, जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, और इनके ये खुद प्रचार माध्यम में ये गीत गाकर यहाँ से जनता को संबोधित करेंगे, और कवि बोला जाता है ना जहाँ ना पहुंच
पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये कवि यहाँ पहुँच चुके हैं और ये मुनि देवी के लिए स्पेशल इस पंचायत से हरसर पंचायत से एक प्रत्याशी को इन्होंने चुना है, वो मुनि देवी को। यानी जरूर कुछ ना कुछ इनको लगा होगा उनके अंदर, विगत 5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल रहा है उसका बखानी करेंगे अपने शब्दों से, और आने वाला जो 5 साल कैसा होगा उसको भी जनता के समक्ष दिखाने का काम करेंगे कवि जी अपने शब्दों से। तो कवि जी कुछ अपने अंदाज में कुछ शब्द में इसको पिरो के रखिए, और मुनि जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का उसको भी आप जनता के समक्ष दर्शाइए आप जी। काम तो यहाँ के बहुत अच्छा रहल, आ देखिए आजे से लड़का लोग के खुशी में गीत एगो सुनत, नहीं तो हमरो में आज गदगद हो जाता। लड़का लोग पंचायत के हरसर पंचायत के बच्चा बच्चा कह रहल बा कि अब की मुन्नी देवी के अरे लड़ाई और पार के झाझर के, अब की मुन्नी देवी के अरे लड़ाई और पार के झाझर के, बुथवे पर ललकार के झाझर के, बुथवे पर ललकार के झाझर के, बुथवे पर जइ भैया तनी ना डेरै हो आ टेम्पू वाला चिन्हवा पर बटन के दबै हो, बुथवे पर जइ भैया तनी ना डेरै हो टेम्पू छाप चिन्हवा पर बटन के दबै हो, अरे सब केहू जानता हरे राम भैया के विचार के झाझर के, सब केहू जानता हरे राम भैया के विचार के झाझर के, बुथवे पर ललकार के झाझर के। ए भैया जात धर्म से ऊपर उठ के मुन्नी देवी के जिताव आ विजय के माला हरे राम भैया के पहनाव, आ पंचायत कर रखे उग्रवाद से संहार के झाझर के, बुथवे पर अंत में कभी कहता कि भारती जितेंद्र बाबा गीतिया बनई है टेम्पू वाला चिन्हवा पर बटन के दबई है, पंचायत में चारू ओरिया पंचायत में चारू पंचायत में चारू ओरिया होला जय जयकार के झाझर के, है ना। हर हर महादेव। रउआ सबसे हमार निवेदन बा कि अपन बहुमूल्य मत एकमात्र टेम्पू चुनाव चिन्ह 4 नंबर पर बा वही पर बटन दबाई आ मुन्नी देवी के विजयी बनाई। हर हर महादेव। आइए एक महिला मौजूद हैं, क्या नाम है चाची? जीता कबा मुन्नी देवी के। हाँ सब लोग जीता कबा काम कहले बड़ी मुन्नी देवी। हाँ पहले बड़ी काम मुन्नी देवी, अब जीती हैं तो फिर उम्मीदवार काम करी। हाँ करी हाँ करी हाँ। तो जैसा कि देखिए अभी हम मौजूद हैं हरसर पंचायत में, और हरसर पंचायत के जो मुखिया रह चुके हैं 5 साल तक मुनि देवी, और उनके पति हरे राम जी जो चुनावी दौरा पर निकले हैं जनसंपर्क यात्रा को लेकर, और इस जनसंपर्क यात्रा में देखा जा रहा है कि इस पंचायत के अलग अलग गांवों से बहुत से लोग इसमें शामिल हुए हैं, और करीब इसमें सैकड़ों में लोग आकर एक जनसंपर्क करने के लिए निकले हैं, जो डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं अपने पंचायत की जनता से, और 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा है उसको आशीर्वाद लेकर फिर से जनता उस पर मुहर लगाने का कार्य करेगी 8 तारीख को कहीं ना कहीं। और क्योंकि यहाँ से जीत के एक सबसे बड़े दावेदार भी माने जा रहे हैं हरे राम जी, क्योंकि 5 साल का जो सफर रहा है कहीं ना कहीं जनता उससे खुश है 30-40%, और यही कारण है कि यहाँ से 8 प्रत्याशियों में सबसे बड़ा कोई ऑप्शन है जनता के पास तो हरे राम जी ऑप्शन है। तो इनका रीजन है कि 5 वर्षों का विकास और संघर्ष राजस्व व्यवहार। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 Live पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद।